सो फाइनली दोस्तों मोटोरोला अपना नया स्मार्टफोन लेकर आ चुका है जिसका नाम है मोटो G04 और यहाँ पर हमारे सामने इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस, प्राइस डिटेल्स सब कुछ निकल के आ चुकी है। उससे पहले दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है मोटोरोला G04 स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे ड्यूल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। बैक पैनल यहाँ पर बात करें तो प्लास्टिक का देखने को मिलता है। फ्रेम भी आपको यहाँ पे दोस्तों प्लास्टिक का देखने को मिलेगा। यहाँ पर बीच में आपको मोटोरोला की हल्की फुल्की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। वही बात करें फ्रंट की तो डिस्प्ले एकदम फ्लैट देखने को मिलेगा विद पंच होल कटआउट। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले साइज एंड स्पेसिफिकेशंस की दोस्तों। तो यहां पर आपको 6.56 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जहां पर ये जो डिवाइस है वो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। रिजोल्यूशन की बात करें तो 720x1612 पिक्सल का रिजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। इन शॉर्ट यहां पर आप HD कंटेंट को काफी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। अगर आप YouTube वगैरह देखते हैं, Netflix देखते हैं तो HD को आप इजीली देख पाएंगे। गेमर भी है तो काफी अच्छी क्लैरिटी के साथ आपको यहां पे डिस्प्ले एक्सपीरियंस होने वाला है। बात कर लेते हैं मोटो G04 स्मार्टफोन के कैमरा कंपार्टमेंट की दोस्तों। तो पीछे की तरफ आपको यहाँ पे डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको एक ही सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा। साथ में एक सिंगल LED फ्लैशलाइट देखने को मिल जाएगी, जहां पर जो मेन सेंसर है वो 16 मेगापिक्सल का होगा। और वहीं बात करें यहाँ पे फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ पर आपको कम से कम 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा, जहां पर आप 1080x30fps पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं बैक कैमरे से भी आप 1080x30fps पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोनों ही तरफ आपको HDR का सपोर्ट मिलेगा और LED फ्लैशलाइट भी आपको बैक साइड में देखने को मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के सबसे बड़े हाइलाइटिंग पार्ट की, जो कि इसका प्रोसेसर दोस्तों। तो यहां पर आपको UNI SoC T606 देखने को मिल जाएगा, जो कि 12nm चिपसेट पे बना हुआ है। साथ ही में दोस्तों यहां पर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगा। दोनों ही सिम कार्ड के अंदर आप इजीली 4G को यूज कर पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं मोटो G04 स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की दोस्तों। तो यहां पर आपको बेसिक वेरिएंट 4GB रैम प्लस 64GB का मिल जाएगा। साथ में आपको यहां पर दोस्तों 8GB रैम प्लस 128GB वाला वेरिएंट भी देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ दोस्तों यहां पर आपको ट्रिपल कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जहां पर आप ड्यूल सिम तो यूज कर पाएंगे, साथ में माइक्रो SD कार्ड्स की हेल्प से आप यहां पर इंटरनल स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। साथ ही में दोस्तों आपको यहाँ पे UFS 2.2 स्टोरेज टाइप भी देखने को मिल जाएगी, जहां पर परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी स्मार्टफोन के साथ में। चलिए बात कर लेते हैं मोटोरोला G04 स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की दोस्तों। तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। साथ ही में बात की जाए इसके सेंसर एंड सिक्योरिटी की दोस्तों, तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। साथ ही में फेस अनलॉकिंग और पैटर्न लॉक का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात करें दोस्तों, तो दोनों ही सिम कार्ड में इजीली आप 4G को यूज कर पाएंगे। वाईफाई मिलेगा, ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिल जाएगा, NFC भी देखने को मिल सकता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको USB टाइप सी 2.0 देखने को मिल जाएगा, जहां पर अभी OTG का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा कि नहीं वो अभी कंफर्म नहीं है। चलिए बात करते हैं मोटोरोला G04 स्मार्टफोन की बैटरी बैकअप की दोस्तों। तो इस स्मार्टफोन के अंदर दोस्तों आपको 5000mAh की फुल बैटरी देखने को मिलेगी। यहां पर ये जो डिवाइस है वो 15 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। मोटोरोला G04 के अंदर आपको दोस्तों डिफरेंट टाइप के 3 अलग अलग कलर्स भी देखने को मिल जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं मोटोरोला G04 के एक्सटर्नल चीजों की दोस्तों। तो यहां पर आपको राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाएंगे, नीचे तरफ फोन को लॉक अनलॉक करने का बटन, बॉटम के अंदर दोस्तों आपको USB टाइप सी 2.0 पोर्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही में स्मार्टफोन के अंदर दोस्तों आपको 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाएगा और वहीं पर आपको ड्यूल सिम की ट्री भी देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें थी मोटोरोला G04 स्मार्टफोन के बारे में। बात कर रहे थे इसकी लॉन्चिंग डेट और प्राइस की दोस्तों। तो बताया जा रहा है फ्लिपकार्ट पे 15 फरवरी को ये लॉन्च होने वाला है और इसका बेसिक वेरिएंट की जो प्राइस रखी गई है वो है तकरीबन 6999 रुपए। तो यहां से ही स्टार्ट होगा प्राइस, बाकी आप जैसा वेरिएंट लेंगे उस हिसाब से आपको यहां पे प्राइस देखने को मिल जाएंगी। सो गाइस, ओवरऑल ये सारी चीजें थी मोटोरोला G04 स्मार्टफोन के बारे में। आपको इसका डिजाइन कैसा लगा और प्राइस कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए गाइस, थैंक यू फ्रॉम टेक्ट्रॉनिक्स, टेक केयर, जय हिंद।